दोस्तों कैसे हो आप सब। मैं तफज्जुल हुसैन और आप लोग देख रहे हो टीएल गैलरी। दोस्तों ये वर्ल्ड कप है या काल है बताओ आप लोग, क्योंकि ये क्रिकेट के लिए अपना लोग हमारे गुवाहाटी का एक लड़के जान गवा दिया। देखिए এই মেচখনক লৈ ভাৰতবাসীৰ মনত উন্মাদনাৰ কৌতূহলৰ অন্ত নাছিল আৰু এই যে খেলখনত ভাৰতীয় ক্ৰিকেট টীমটো সুচৰীয়াভাৱে পৰাজয় বৰণ কৰিব লগা হৈছিল আৰু এই দুখ সহ্য কৰিব নোৱাৰি এজন যুৱকে প্ৰাণ হেৰুৱালে গুৱাহাটী মহানগৰীত সংঘটিত হৈছে। দোস্ত ইয়ে লড়কা কি গলতি কিয়া থা জো ক্ৰিকেট মে ইসকা দিল কো লগা দিয়া, দিল সে লগা দিয়া, ক্ৰিকেট প্ৰেমী ইতনা হুৱা, খাস হুৱা জো দিল মে ইসকে বেঠে লিয়ে। জব ইন্ডিয়া হারে হে তো ইসকে বাদ উসকে খানা পিনা কোই শরীর अचेतन हो गया और वो बंदा आखिर में मेडिकल जाते हुए लास्ट में पता चला, डॉक्टर ने घोषित किया जो ये मृत है, मर गया। खेल के इतना दीवाना था अपने जान गंवा दिया। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इमोशनल हो गया सारा इंडिया पे। मैं खुद भी एक क्रिकेट पागल प्रेमी हूँ, इसलिए मैं कल से ही कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मैं यूट्यूब पे वीडियो भी नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बनाऊंगा तो जरूर मेरा मुंह से खराब भाषा आएगा, क्योंकि ये गलती ये किसको कहूं, यहां सब कुछ गलती है, पनौती है इस फील्ड में पनौती है। जब देखा एक बंदा जाके यहाँ बैठा तभी मुझे याद आया जो ये पनौती है कैसे, ऐसा और आगे भी देखा हूं। मतलब आज से 10-12 साल से कोई भी फाइनल इंडिया नहीं जीत पा रहा है, क्या हुआ? सेमीफाइनल फाइनल जहां टक्कर अच्छा होने वाला है वहीं जाके रोक जाता है। कोई पनौती होगा या ना होगा आप लोग कमेंट करके बोलिएगा दोस्तों। और दूसरी बात है, यही स्टेडियम पर शुभमन गिल बहुत अच्छे से खेल के आ रहे थे, 100-100 बना लेते, लेकिन उस दिन क्या हुआ, नंबर वन शुभमन गिल की गलती है इतना जल्दी, क्योंकि रोहित शर्मा ने अच्छा बैटिंग कर रहा है तो तू स्लोली खेल, तू सिंगल बचा करके खेल, एक खेल रहा है तो दूसरे तो भाई उड़ाओ मत, अगर उड़ा रहा है तो डायरेक्ट कैच दे दिया मिड ऑन या मिड ऑफ के सामने, क्यों ऐसा किया, यह गलती है। स्लोली खेल, रोहित शर्मा को खेलने दे। और रोहित भाई का दूसरी गलती है, रोहित भाई ने एक ओवर में जब 10 रन आ गया तो तीसरे छक्का मारने का क्या जरूरत था, आपको पता ही है, क्योंकि रोहित भाई ना खेले तो कोई नहीं है, रोहित शर्मा खेलेगा तो ओपनिंग अच्छा होता है। रोहित शर्मा के पहले शुभमन गिल आउट हो गया तो आप सोचना चाहिए, जो मैं कम से कम 20 ओवर तक खेलना चाहिए, मैं थोड़ा स्लोली खेलूं। हमेशा देखो आप फर्स्ट टीम खेलते हो, बहुत तेजी से खेलते हो, सपोर्ट करता हूं, क्योंकि आपके जो साथी है वो तो रहता है, साथी शुभमन गिल खड़ा रहे, रन बनाए ना बनाए, लेकिन आप जब देखे हो शुभमन गिल आउट हो गया तो आपको सोचना चाहिए था, इतना सारा बल्ला नहीं चाहिए हमको, जब 10 ओवर में 70-80 रन आ गए तो थोड़ा सोच के खेलना था। आपका विकेट गंवाने के बाद पता चल रहा है जो मेरा विकेट गया तो भाई खेल का जो रेंज है, शक्ति है, वो कम हो जाएगा, क्योंकि विराट कोहली विराट है से, लेकिन विराट का मानना यह है तो वो स्लोली खेल के जाता है, जैसे रन जाना चाहिए ऑस्ट्रेलिया के सामने 340-350 की टारगेट होना चाहिए, वो नहीं बनेगा, ये रोहित शर्मा को पता ही है, फिर भी अपना विकेट को सिक्स मारने का चक्कर में, हर बॉल में सिक्स मारना क्या जरूरी है, नहीं है। फिर श्रेयस अय्यर, वो तो भाई गारंटी नहीं है, आप एक कैप्टन है, श्रेयस अय्यर को आप कैसे लीड में ले सकते हो, और एक मैच अच्छा खेल लिया 100 बना लिया, दो मैच अच्छा खेल लिया तो फाइनल में, तो कम से कम वो भी श्रेयस अय्यर कम से कम तो स्लोली खेले, थोड़ा 2-4 रन करे इसके बाद आउट हो जाए, आउट हो गया भाई, आके ही विकेट गंवा दिया, 2-4 रन करके ही एक फोर मारा है बस। देखो 10 ओवर के पहले कितना बाउंड्री हुआ, 12 बाउंड्री हुआ, रोहित शर्मा ने 3 छक्के मारा, 4 कितना मारा, सब मिला करके बहुत सारा हुआ पावर प्ले के पहले, 10 ओवर के पहले। लेकिन जब श्रेयस अय्यर आउट हुआ इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद कुछ नहीं, खेल का रंग बदल गया, अचानक ऑस्ट्रेलिया के सामने गिर पड़ा, इंडिया बेकार बनने लगा। केएल राहुल 107 गेंद खेल के कितना रन किया, 66 रन किया, केएल राहुल इतना गेंद खेल के लगभग अपने कम से कम 20 ओवर अपने खेल लिया, थोड़ा कम ज्यादा, एक बाउंड्री, ऐसा कैसा हो सकता है, कभी कभी 108 बॉल 107 बॉल हो गया, बीच में बाउंड्री नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का सामने आप लोग एकदम क्या कहता हूं, मुंह से कुछ नहीं है, फिर इतना गेंद खेल के स्लोली खेल के डिप्रेशन बढ़ा के आप लोग आउट हो गए। आउट होगा तो जरूर, लेकिन मार के आउट हो ना, खेल के आउट हो, जडेजा भाई क्या हुआ, नहीं हुआ, इसका जो बोलता है 360 डिग्री वाला, वो क्या हुआ, उसको मौका नहीं मिला, मौका मिला तो क्या किया, 28 गेंद में 18 रन किया, बहुत सारा बात है। अगर आप लोग टारगेट ना बनाओ अच्छा से तो कैसे होगा ऑस्ट्रेलिया का सामने, जरूर इसमें बहुत सारे लोग बोल रहे हैं अंपायर की गलती है, या अंपायर जब भी खेले इंडिया हार रहा है, फाइनल में हो जहां खेले वो ऑस्ट्रेलिया का सपोर्टर है, या पनौती वो लोग है जिस लोग आने आ रहा है, पनौती कुछ भी हो सकता है, पनौती भी हो सकता है इसलिए खेल नहीं पा रहा है, लेकिन प्लेयर्स का कोई सोच दिमाग होना चाहिए, जो सामने कंगारू है ऑस्ट्रेलिया है, इसका सामने सोच समझ के खेलना पड़ेगा, इसका सामने अच्छा सोच समझ के टारगेट देना पड़ेगा। इन लोग देखो 3 विकेट चला गया 47 में, फिर कितना अच्छा से खेल रहा है, लेकिन हमारा 3 विकेट कब गया, हाँ कब गया, कितना रन होने के बाद गया 3 विकेट, फिर गिर गया अचानक, इतना डाउन हो गया, इतना डाउन हो गया क्या बताऊं,
दो तीन ओवर में दो चार रन एक रन ऐसे आ रहा है तो मैं खेल दिखना ही छोड़ दिया था बीच में, इतना बुरा लगा। केएल राहुल भाई और वो कोहली जी थोड़ा बहुत रन किया है सही, लेकिन इतने में नहीं होगा। फाइनल खेल से कोई 100 नहीं बनाया, मतलब ऑस्ट्रेलिया का आगे ये मान लो जो ऑस्ट्रेलिया सचमुच चैंपियन है और हम लोग बेकार है। हम लोग सारा खेल लीग में खेल सकते हैं, लीग में अच्छा खेल लेते हैं, लेकिन फाइनल में जाके हम लोग कुछ नहीं कर पाते क्योंकि हमारा पास पनौती है, आज 10-12 साल से पनौती है। इसे डिप्रेशन लेना, दिल में रखना, यह भी एक गुनाह है, क्योंकि ये गुनाह के वजह से एक बंदा मर गया, गुवाहाटी का एक लड़का रात मर गया। और बहुत सारा लोग टीवी तोड़ रहा है अपने टेलीविजन 50-60 हजार, भाई क्यों तोड़े, क्यों अपना नुकसान करे, वो सब छोड़ दो, खेल का निश्चय छोड़ दो, क्योंकि खेल में अभी राजनीति होने लगा, खेल में क्रिकेट में राजनीति होने लगा। यहां ड्रीम इलेवन लिखा गया है, इंडिया के जर्सी का ऊपर जब से ड्रीम इलेवन लगा है तब से कुफा लगा है। ड्रीम इलेवन लगाने के बाद ही तो क्रिकेट एकदम मजा चला गया, खुद को भी अच्छा नहीं लग रहा है। प्लेयर्स लोग ड्रीम इलेवन में लग गया एडवाइस करने, गुटखा पर लग गया, गुटखा तंबाक हर पान मसाला बीमल ये सब एड दे रहे, इंडिया को बर्बादी में ले जा रहा है, इंडिया का लड़कों को बेरोजगार बनाने का चक्कर में, इन लोगों का कैंसर करवा रहा है, बीमार करवा रहा है। गुटखा खाओ, बीमल खाओ, पान मसाला खाओ, ये सब एड दे रहा है। ये सब पहले सरकार बंद करना चाहिए, ये सब प्लेयर्स खेलने वाला प्लेयर्स का काम नहीं है, कोई गुटखा का प्रचार करे, देश के युवाओं को बर्बाद कर रहा है ये क्रिकेट के वजह से। यह पैसा हमारे से लौट के जाके ये सब खेल बन रहे, दुनिया का सबसे बड़ी बीसीसीआई सबसे बड़ी पैसा वाला क्रिकेट संस्था है तो बीसीसीआई है, और वो बीसीसीआई का चेयरमैन कौन है, कौन है, कभी जिंदगी में बैठ नहीं पकड़ा, फील्ड के बारे में कुछ पता नहीं है, कितने बॉल में क्या होगा, कौन क्या है, कुछ भी पता नहीं, वो चेयरमैन बन गया, तो यह पनौती नहीं है तो और क्या, यह भी तो पनौती है, खेल में भी राजनीति है। अगर यह मैच हार गया, हार गया, किसी का गलती नहीं है, हम लोग कह रहे हैं प्लेयर्स का गलती है, उसी का गलती है, लेकिन अगर जीत जाता तो किसका नाम होते, यह अगर खेल जीत जाता तो बोलते तो उन्होंने जीता दिया, नरेंद्र मोदी भाई ने जीता दिया। कल एक पेपर में आया इंडिया का, न्यूज में बता रहा है, जो नरेंद्र मोदी उपस्थित रहते हुए इंडिया जीतेगा क्या, क्वेश्चन बन के बता रहा है, अगर जीत जाते तो किसका नाम होता, नरेंद्र भाई मोदी जी का। लेकिन यह कोई नहीं बोल रहा है, जो बीसीसीआई का जो चेयरमैन है वो बेकार आदमी है, इसको हटाना चाहिए, यह कोई नहीं कहेगा, बड़ी अफसोस की बात है और बहुत दर्द है, दुख है भाई। मैं कल रात से ही वीडियो नहीं बना रहा हूं, कुछ नहीं, दरकार नहीं है, किसको बताऊं भाई, अपने नसीब का खेल है क्रिकेट का। फ्रेंड्स जो खास है वो बेकार है, अपने टाइम गुजार रहा है, बहुत सारे लोग ड्रीम इलेवन में पैसा लगा रहे हैं, बर्बाद कर रहा है, और उन लोग पैसा कमा रहे हैं। प्लेयर्स लोग अभी रोएगा, लेकिन उन लोग का अपना पैसा तो मिलेगा भाई, इन लोग का क्या आ जाए, कुछ नहीं है, देश का नाम डुबा रहा है, सारा कुछ खेल के आ जाते हो फाइनल में, फाइनल में आके हार जाते हो, चैंपियन नहीं हो, सबसे बड़ी बड़ी प्लेयर इंडिया में है, लेकिन सोचने समझने का खेल नहीं है। सिराज 2 दिन का बॉलर है, बॉलर होने के बाद वो यूं कर रहे, यूं कर रहे, थोड़ा दो चल के लेवल में आ गया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कॉपी कर रहा है, साला कॉपी कर रहा है, खुद का कोई टैलेंट नहीं है, कॉपी करने लगा, 2-4 विकेट मिलने के बाद एकदम हवा में चल गया। शमी ने विकेट लिया सेमीफाइनल में, 7 विकेट, उसका घर में मीडिया जाने लगा, उसका माई को, भाभी को, सारा को, सब मीडिया के भी गड़बड़ है। हम लोग हवा देते देते इन लोग को फुला दिया और फाइनल में जाके कुछ नहीं कर सका, ज्यादा हवा देने का वही बहाना है, सारा खेल खेल के आया और मीडिया ने वो कर रहा है, ये कर रहा है, शामी का बीबी भी बार बार आके मीडिया में आ रहा है, सब कुछ करते हुए समझ में आ गया जो ये खेल हवा ज्यादा हो गया। हमारा नरेंद्र मोदी आ गया फील्ड में, शाहरुख खान, सेलिब्रिटी, हर कोई एक्टर सब आके एकदम हवा देने लगा इंडिया टीम को, और इंडिया टीम को बर्बाद कर दिया। ये कोई गलती नहीं है, फील्ड का गलती है, पिच का गलती है, कोई कह रहा है जो अगर कलकत्ता में खेल होता, अगर मोहाली में खेल होता, या तो मुंबई वानखेड़े स्टेडियम में खेल होता तो न जाने अच्छा होता, अहमदाबाद क्यों हुआ, अहमदाबाद अच्छा नहीं है, कुफा है, ये सब वगैरह वगैरह कुछ नहीं है। हमारा हम लोग ही हमारा प्लेयर्स को इतना हवा दिया, इन लोग को बैलून बना दिया, बैलून है ना, बैलून बना दिया, बैलून बनाने के चक्कर में ये सब हो रहा है। जहां से इसे खेलना था, जिसके साथ जो करना था वो नहीं कर सका, उसी दिन 340-350 का टारगेट होता तो जरूर प्रेशर में पड़ते, और प्रेशर में जब पड़ेगा डंडा लगाना पड़ेगा। इन लोग को देखा 47 में 3 विकेट आउट होने के बाद भी अच्छा से सिंगल 2-1 रन खेल के, हमारे कैप्टन ने बाउंड्री रुकने के चक्कर में इधर सिंगल हो रहा है, इधर 2 रन हो रहा है, यह सब में डिप्रेशन कम हो गया, और बीच बीच में कंगारू ने फोर मार रहा है, बाउंड्री मार रहा है, छक्का मार रहा है, लेकिन अपना वाला क्या किया, जब 3 विकेट चला गया इसके बाद हमारा वाला बंद खामोश, बाउंड्री लगाना बंद कर दिया, अच्छे अच्छे गेंद में बैट चला करके इसे ड्रॉप कर रहे, क्या है,
केएल राहुल जी, विराट कोहली जी क्या है? 107 बॉल में अगर आपने 90-95-80 रन बनाते तब भी थोड़ा अच्छा होता। बहुत सारा दुख है दोस्तों, इसलिए ये वीडियो आखिर में बना रहा हूं। आपको क्या राय है आप कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।